अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग विद आंटी अंबर। तो आज हम बनाने वाले हैं हॉट एंड स्पाइसी विंग्स। तो इनके लिए जिस जिसकी चीज़ की ज़रूरत है मैं आपको बताती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो विंग्स लिए हैं मैंने, इनको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। और ये विंग्स आप देख सकते हैं कि ये विद स्किन है, ये देख लें, ये विद स्किन विंग्स लिए हैं मैंने। और क्या क्या चीजें इसमें जाएंगी? सिरका 2 टेबलस्पून, दूध 4 टेबलस्पून, ये फ्रेश मिल्क है, अंडा 1 किलो के लिए आप 1 अंडा लें। उसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और नमक जो है वो 1 फुल भर के टीस्पून, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून फुल भर के लें तो 1 किलो चिकन में काफ़ी होता है। तो ये चिकन को अब हम मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले नमक जाएगा, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लहसुन, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून लिया था हमने, दूध 4 टेबलस्पून जो लिया था, सफेद सिरका 2 टेबलस्पून, अंडा। तो ये सब चीजें हमने डाल दी। अब इनको हम किसी चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से हम इस तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट करके 1 या 1.5 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। तो ये मैरिनेट हो चुका है, अब इसको हम 1 या 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि सब जो है मसाले इसमें अच्छी तरह से रच जाएं। तो अब एक मिक्सिंग बोल लेंगे, इसमें कोटिंग के लिए हम तैयार करेंगे पाउडर, इसका कोटिंग पाउडर 1 कप मैदा, 1/4 टीस्पून जर्दा रंग, लाल कुटी मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, क्योंकि चिकन में भी नमक डाला है तो ऐसा ना हो कहीं ज़्यादा हो जाए। तो चले इस मिक्सिंग बाउल में मैदा डाला है, जर्दा रंग डाल देंगे, 1/4 टीस्पून लिया था लाल कुटी मिर्च, नमक, काली मिर्च पाउडर, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये कोटिंग पाउडर तैयार हो जाएगा हमारा। तो चलें जी, 1 घंटा हो चुका है, चिकन के विंग्स जो है मैरिनेट हो गए हैं। अब एक दफ़ा आप इनको हाथ से मिक्स कर लें दोबारा, और जो नीचे सॉस बची है इसको भी यूज़ करेंगे, इसको फेंकना नहीं। एक एक विंग पकड़ेंगे और इस पाउडर में कोट करके अच्छी तरह से इसको कोट कर लें और प्लेट में निकालते जाएं। इसी तरह सारे विंग्स प्लेट में निकाल लें। उसके बाद फिर उसी जिसमें मैंने बर्तन में मैरिनेट किया था उसमें दोबारा से सारे विंग्स पलट दें और वो जो बचा हुआ पाउडर है उसके ऊपर डालें। और क्योंकि इसमें सॉस भी होगी उसके साथ अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर दें तो कुछ इस शक्ल में आपके पास आ जाएंगे। थोड़ा सा जर्दा रंग भी अपना कलर निकालेगा। तो एक एक करके अब इनको फ्राई शुरू करते हैं। पर सबसे पहले कढ़ाई हमने चूल्हे पर रखी है, फ्लेम ऑन कर दिया मीडियम फ्लेम। गर्म होने का वेट करेंगे ऑयल के।
और अब मेरा ख्याल है गर्म हो चुका है, तो एक एक जो विंग है इसमें डालते जाएंगे। और इसी तरह सारे जितने भी कढ़ाई में पूरे आते हैं उस तरह करके सारे विंग्स हम फ्राई कर लेंगे थोड़े थोड़े डाल के। तो ये विंग्स एक साइड से गोल्डन होते हैं तो हम फिर इनको साइड पलट लेंगे। तो ये विंग्स हमने पलट लिए हैं, अब एक साइड से गोल्डन हो गए हैं, दूसरी साइड से गोल्डन करेंगे और इनको गोल्डन करके निकाल लेंगे। तो चलें जी, ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, कलर भी आप इनका देखें बड़ा अच्छा आएगा। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।